अगर आप एक यूट्यूबर हो और आपने इस वीडियो को एंड तक देख लिया, लिटरली आप बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो जाओगे एंड आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। वो मैं आपको क्यों कह रहा हूँ, वीडियो को तो देखो पहले। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, मैंने अपने यूट्यूब चैनल की शुरुआत 2017 में करी थी एंड 2019 से मैं रेगुलर हो गया था। सबसे पहले मैं आपको एक कमेंट रीड करके दिखाता हूँ जो मैंने मनोज दे की वीडियो पर करा था 3 साल पहले। 3 साल से भी ज्यादा ही हो चुके हैं। आप इस वीडियो के नीचे जाकर ये कमेंट पढ़ सकते हो। मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, भाई क्या आप मेरी भी हेल्प करोगे, भाई मैंने अपना चैनल पर 90+ वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, 1.5K फैमिली मेंबर्स हैं, मतलब 1.5K सब्सक्राइबर्स हुए थे मेरे 90+ वीडियोस अपलोड करने के बाद। आगे लिखा हुआ है, एकदम जेन्युइन कंटेंट है भाई, आप नहीं समझोगे मैंने उसमें कितनी मेहनत की हुई है और अब मैं वीडियो अपलोड नहीं कर सकता बिकॉज 2 स्ट्राइक आ गई, प्लीज ब्रदर हेल्प मी, किसी तरह मेरे 4000 वॉच टाइम कंप्लीट करवा दीजिए। मैं चाहता तो इस कमेंट को डिलीट भी कर सकता था क्योंकि इससे मेरा फेस वैल्यू खराब होगा कि मैंने मनोज दे की वीडियो के नीचे कमेंट किया हुआ है, बट मैंने ऐसा नहीं करा। आपको इससे बहुत कुछ सीखने के लिए मिलने वाला है। देखो मैं ना एक तरीके से डिपेंड हो चुका था कि किसी बड़े यूट्यूबर से मैं अपने चैनल को प्रमोट करवा लूंगा। मैं सिर्फ मनोज दे की वीडियोस के नीचे नहीं, और भी बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जहां पे मैंने बहुत बड़े-बड़े कमेंट्स लिखे हुए हैं एंड वहां पे मैं सिर्फ यही लिखता था कि भाई मैंने 100+ वीडियोस अपलोड कर दिए, 90+ वीडियोस अपलोड कर दिए, 1500 सब्सक्राइबर्स हैं ओनली, तो कुछ तो करो। बट सामने वाले का रिस्पॉन्स यही रहता था कि नहीं मैं नहीं कर सकता। काफी सारे यूट्यूबर्स के पास मैंने कॉल भी करी है, पैसे देकर कॉल हो जाती है एक एप्लीकेशन से, बट उन्होंने यही बोला है कि मैं प्रमोट नहीं कर सकता। देखो मैं आपको एक कारण बताता हूँ कि बड़ा यूट्यूबर हमारी वीडियो को प्रमोट क्यों नहीं करता। आप इस वीडियो को देख रहे हो और मैं आपकी वीडियो को अपने कम्युनिटी टैब में डालूंगा तो जो दूसरा भाई है वो बुरा मान जाएगा कि इसने यार इसके चैनल को प्रमोट कर दिया और मेरे को नहीं करता। तो ये एक मजबूरी बन जाती है, थोड़ा सा ग्रो होने के बाद किसी के भी चैनल को प्रमोट नहीं कर सकते। बट मैं एक तरीके से पूरा डिपेंड हो गया था कि अब मैं अपने चैनल को प्रमोट करवा कर ही ग्रो कर सकता हूँ। मैंने 90+ वीडियोस अपलोड कर दिए और अभी तक 2000 सब्सक्राइबर्स भी कंप्लीट नहीं हुए, तो उसके बाद मैंने अपने चैनल को ग्रो कैसे किया वो मैं आपको बताता हूँ। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, काफी सारे यूट्यूबर्स के पास मैंने काफी सारे कमेंट्स कर रखे हैं, किसी का रिप्लाई आया, किसी ने इग्नोर मार दिया, किसी ने देखा ही नहीं कमेंट आज तक। तो अगर आप भी किसी के पास इस तरीके के कमेंट्स करते हो कि भाई प्लीज प्रमोट कर दो, भाई प्लीज पैसे ले लेना मेरे चैनल को प्रमोट कर दो, लिटरली अगर आप किसी को 30-40 हज़ार रुपए दोगे, 50 हज़ार रुपए दोगे, वो नहीं करेगा भाई। और हाँ, काफी सारे यूट्यूबर्स होते हैं जो कुछ पैसे ले लेते हैं और किसी के चैनल को प्रमोट कर देते हैं, तो वो तरीका सही नहीं होता। आप किसी के चैनल प्रमोट करवा के क्या करोगे? सपोज मैंने आपकी एक वीडियो को प्रमोट कर दिया, उस पे आपके व्यूज आ गए, उसके बाद आप जो कंटेंट डालोगे उस पे व्यूज कहां से आएंगे? चलो मान लेते हैं कि आपका चैनल प्रमोट हो गया, आपको सब्सक्राइबर्स मिल गए, उसके बाद लोग आपकी वीडियो को देखेंगे, बट उसके बाद आप जो कंटेंट बनाओगे उसको नहीं देखेंगे बिकॉज आपने 100+ वीडियोस बना दिए, 200+ वीडियोस बना दिए, जब वो कंटेंट लोगों को अच्छा ही नहीं लगा, उनमें से एक भी वीडियो पे लाखों में व्यूज नहीं आए, तो लोग आपका वीडियो क्यों देखेंगे? आपको अपनी वीडियो में कुछ यूनिक करना है। अगर कोई कुछ कर रहा है उससे अलग करो। मैं YouTube पर कुछ इस तरीके से वीडियोस बनाता हूं बैठकर, तो आप भी सेम कॉपी मत करो, कुछ चेंज लेकर आओ, बोलने का तरीका बदलो, समझाने का तरीका बदलो, जिससे कि लोग आपकी वीडियो को लाइक करें। बट किसी के भी पास यार इस तरीके के कमेंट्स मत करो, किसी के पास इंस्टाग्राम पर मैसेज मत करो। अगर आपके चैनल के साथ कोई दिक्कत आती है, कोई स्ट्राइक वगैरह आ जाता है या आपको कुछ भी हेल्प लेनी है, तब आप मेल वगैरह कर सकते हो, बट प्रमोशन के लिए किसी भी यूट्यूबर के पास मैसेज मत करना, कोई फायदा नहीं है, कोई नहीं करता लिटरली। और अगर आप खुद से मेहनत करके खुद के दम पर अपने चैनल को आगे लेकर जाते हो, उसकी एक अलग ही बात होती है। अगर आपने किसी से रिक्वेस्ट कर करके अपने चैनल को प्रमोट करवा भी लिया, तो ग्रो होने के बाद आपके पास यही कमेंट्स आएंगे कि तूने खुद के दम पे क्या किया, तेरा चैनल तो उसने प्रमोट किया था इसलिए तेरा चैनल चल रहा है। तो इसलिए भाई खुद से करो जो भी आप करना चाहते हो। आई होप इस वीडियो से आप मोटिवेट भी हो गए होंगे और आपको सीखने के लिए भी मिला होगा। और हाँ, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है यूट्यूब से रिलेटेड तो कमेंट करो यार, मैं सभी के कमेंट्स रीड करने वाला हूँ, सभी को हर्ट देने वाला हूँ, एंड जिसका जो क्वेश्चन है पूछो, मैं सभी को रिप्लाई करूंगा। तो इस वीडियो को यही पर एंड करते हैं, मैं आपसे मिलता हूं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें एंड बाय बाय।